यूं तो पूरे देश में ही होली की धूमधाम रहती है, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में होली के पर्व को कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है, जो 40 दिनों तक अनवरत चलती रहती है। अपने आराध्य कान्हा के साथ होली खेलने के लिए इस बार की होली पर भी देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त मथुरा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भक्तों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसके चलते ही उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने बरसाना के विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के साथ ही जिले में चल रहे रंगोत्सव कार्यक्रम के सुरक्षित आयोजन के लिए DM और SSP और बाकी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। इस दौरान मांड क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री लक्ष्मी नारायण ने आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने, मंदिरों में श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन कराने, यातायात और पार्किंग की व्यवस्था की समीक्षा भी करी। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सनातन पर्व मनाने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और देश विदेश से लोग ब्रज की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मनाने के लिए ब्रज आए। वही मथुरा के DM ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगोत्सव बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया जाएगा। बरसाना के विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के सुरक्षित आयोजन के लिए लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अगर होली की हम बात करें और बरसाना की चर्चा न करें तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले हम वही से चर्चा शुरू करते हैं कि बरसाना में यहाँ पे विश्व विख्यात होली का आयोजन होता है, जो इस बार 17 को लड्डू होली और 18 को लठमार होली होगी। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने और पूरी टीम ने बरसाना का सारे रूटों का, मंदिर के सारे प्रवेश द्वार, निकास द्वार सबका भ्रमण किया है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं व्यापक स्तर पर की जा रही हैं, चूँकि वो राजकीय मेला भी घोषित है, वहाँ का जो ये महोत्सव है उसको दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग से लेकर के श्रद्धालुजन मंदिर तक पहुँचे, रंगीली गली में पहुँचे और भीड़ का कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दबाव न बनने पाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरा परिसर CCTV कैमरे के निगरानी में रखा गया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरे क्षेत्र को 3 जोन और डिफरेंट सेक्टर्स में बांट करके वहां पुलिस और मजिस्ट्रेट लगाए जा रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर एकादशी की बात करें तो एकादशी में बिहारी जी में और तीर्थ जन्मभूमि में काफ़ी भीड़ होती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हैं और पूरे जिले के जितने भी, चाहे होलिका दहन हो या होली हो, उसको दृष्टिगत करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक भी की है और थानेवार भी बैठकें की जा रही हैं, जिसमें हर जगहों की जो अलग अलग जो भी समस्याएं हैं, कैसे बेहतर आयोजन किया जाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों से अपील है कि होली का त्यौहार आपसी में भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलने का त्यौहार है, तो ऐसे रंगों का प्रयोग करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रंग हों। अबीर के साथ कई बार मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है, कदापि न करें, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने भी हिचकेंगे। आपको बता दें, इस बार श्री मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के रूट में बदलाव किया गया है। इस बार श्रद्धालुओं को VIP रास्ते से मंदिर भेजा जाएगा और हर बार उन्हें ज्ञात रास्ते से ले जाया जाएगा ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।